आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 370 बाबू भैया 370, 5 अगस्त यानी कि कल तीसरी एनिवर्सरी थी। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है, 370-35A। इस पर मैंने लेक्चर्स लिए हैं कई सारे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये मैंने एक इमेज भी लगा दिया टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। क्या आपने कल कुछ सुना कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है? नथिंग। महबूबा मुफ्ती, PDP, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब ने ये बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सारे लीगल मेजर्स लेंगे ताकि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जा सके। महबूबा मुफ्ती ने भी बहुत सारी बातें कही, बंद का ऐलान किया, लेकिन दोस्तों श्रीनगर में सारी दुकानें खुली हुई थी। पुलिस ने 13 सेकेंड का वीडियो ट्वीट किया, सारी दुकानें खुली हुई थी डिस्पाइट कॉलिंग। ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्यों? बात करेंगे दोस्तों इसकी, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार UPSC का कोर्स आप क्यों नहीं ले रहे हो, और आंसर राइटिंग हमने शुरू करवा दी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आंसर चेक भी हम कर रहे हैं। ठीक है, आंसर आप लिखेंगे और हमारी फैकल्टीज जो है वो चेक कर रही है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बैठा दिया है और वो चेक कर, नहीं, हमारी फैकल्टीज चेक कर रही है और आपकी गलतियां बता रही हैं। तो फटाक से आ जाओ भाई, कोर्स को अवेल करो। और सोहेल सर जो हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं, बच्चे पगला गए हैं। तो सोहेल तुर्की सर, इनसे आप हिस्ट्री पढ़िए, मजा आ जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सोहेल सर भी वैसे कश्मीर से हैं। तो आर्टिकल 370 जो है, मैं उसका समर्थक नहीं था। जितना देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने समझा है, एक कॉमन सेंस भी होता है, मैं आर्टिकल 370 का एक बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि इसको रखा ही क्यों गया है। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात, आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर को अलग करता है भारत से। कश्मीर और कश्मीरी लोग बहुत बहादुर है, आपको पता है। जब जब प्रॉब्लम आई है, पाकिस्तान को हमेशा लगा कि कश्मीरी लोग उनका साथ देंगे, कश्मीरियों ने उनका साथ छोड़ा है हमेशा। तो हमारे भाई बहन को इस आर्टिकल की वजह से, जस्ट की पॉलिटिकल यहां पे बड़ा अच्छा हो रहा है, अलग क्यों रखा गया? कई बार हमने बताया कि इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी, आर्टिकल 370-35A डिस्क्रिमिनेटरी है। भारत का पार्ट है कश्मीर, 370 को एब्रोगेट करने के बाद कश्मीर पे चाइना का कई बार क्लेम आ जाता था, लद्दाख पे पाकिस्तान क्लेम करता है, लेकिन अब उन सबको साफ कर दिया, कोई भी अब क्लेम नहीं कर सकता, जो भी थोड़ा बहुत करते थे वो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, और ये सबको पता है, ये लीडर्स को भी पता है। दूसरा पॉइंट, दुकानें सारी खुली हुई हैं, है ना, दुकानें सारी खुली हुई हैं, और ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले जब बंद का आह्वान होता था तो सब बंद हो जाता था। ये जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके खुद के बच्चे तो पढ़ रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, ये जितने भी अलगाववादी हैं या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देते हैं, और जो वहाँ के युवा हैं जिनको वाकई में नौकरी चाहिए, जो बड़े टैलेंटेड हैं, उनको ये लोग बरगलाते हैं। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा इज द डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए कश्मीर में काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। कश्मीर में आपको पता है ना कि वहाँ पे सिनेमा नहीं है, कोई थिएटर नहीं है, और ये कश्मीरियों की कई ये मांग भी रही है कि थिएटर क्यों नहीं है, थिएटर तो खुलवाओ कम से कम। तो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, हालांकि वो इको सेंसिटिव जोन है, डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते, पूरा हिमालयन रेंज में आता है, बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर, स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे। इस साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आए, आपको पता है, रिकॉर्ड टूरिस्ट आए इस बार, इतने लोग कश्मीर गए हैं, इतने लोग कश्मीर घूमने गए हैं। अब देखिए, पिछले 3-4 सालों से कश्मीरियों का खुद ये बयान है, जो लोग अपना रोजगार चलाते हैं, कि हमारे पास पैसा नहीं बचा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 370 ने दिया क्या है? 370 ने अनस्टेबिलिटी तो दी है। जब से 370 आया है, कश्मीर का स्टेबल रहा, आप मुझे बताइए, हमेशा अनस्टेबल रहा। इससे पहले स्टेबल था, 2000 साल से कश्मीर स्टेबल है, लेकिन आजादी के बाद से, जब से 370-35A आया है, क्योंकि सेंटर के पास खाली 3 ही पावर, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, और जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, हम बस अनस्टेबिलिटी रही है, देयर इज नो नॉर्मलसी व्हाटसोएवर।
ठीक है, कभी कभी प्रोटेस्ट, कभी कुछ बंद हो रहा है, कभी दिक्कतें आ रही हैं, ये चीज है। तो भाई देखो, जब लोगों का रोजगार शुरू हुआ, ठीक है, जब लोगों ने देखा कि हाँ यार हमारे पास भी पैसा आ रहा है, तो लोग भी ज्यादा कुछ बोले नहीं। पहले लोग भी साथ होते थे, सब नहीं लेकिन हाँ काफी लोग साथ देते थे, लेकिन वो शांत है भाई। अल्टीमेटली सबको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, और जब तक वो मिल रहा है तब तक सब बढ़िया है। इसीलिए बंद का आह्वान करने के बाद भी इसका कोई खास असर हुआ नहीं, और ये टूरिस्ट आते ही जा रहे हैं। आपको पता है अमरनाथ यात्रा जो है, खैर वो तो बाढ़ की वजह से भी थोड़ा सा उसको बंद किया गया था, लेकिन फिर से वो चालू हुई, श्रद्धालु जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं अमरनाथ यात्रा में भी, रिकॉर्ड तीर्थयात्री आए हैं, रिकॉर्ड। तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, देखिए अभी तो ऑन पेपर है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? कश्मीरियों को, क्योंकि भैया उनको ही तो रोजगार मिलेगा। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था हिंदू में, तो उसमें ये साफ साफ बताया गया था कि जो पत्थरबाज हैं, कई बार क्या होता कि उनको रोजगार नहीं मिलता, और जो आतंकी हैं वो इनको बोलते हैं कि लो 7,000-8,000 रुपए लो और पत्थरबाजी करो। तो जब रोजगार मिलेगा, जब दिख रहा है डेवलपमेंट, तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कि पीओके में आपको कुछ करना ही नहीं, आप बस कश्मीर को डेवलप कर दो, वो अपने आप लोग इधर आ जाएंगे। जैसे जर्मन वॉल ढही थी भाई, वेस्ट जर्मनी बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, ईस्ट जर्मनी डेवलप ही नहीं था, तो लोग परेशान थे ईस्ट जर्मनी के कि ये लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं और हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। उन्होंने वॉल को ढहा दिया, सिंपल। क्यों? तो डेवलपमेंट और टूरिज्म की वजह से भी लोग खुश हैं। आप सरकार को साइड में रख दीजिए, लेकिन जब लोगों के पास पैसा आ रहा है, उनका घर चल रहा है, तो दे आर एक्चुअली हैप्पी, राइट? ये चीज है। दूसरा पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर में इस समय अलग तरीके का आतंकवाद है। कश्मीर में 25 से 30 साल के लोग, मतलब 18 से 30 साल के लोग, इस बीच में लोग कहीं ना कहीं, वो हर कोई नहीं लेकिन हाँ, आतंकवाद की तरफ जा रहे, ये डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है। लेकिन आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया, तक 150 से ज्यादा आतंकियों को मारा है। यहां पे जो अगर आप देखो कि बहुत दिक्कतें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ये लास्ट टाइम है, मतलब जब आपको दिख रहा है कि बहुत डेवलपमेंट है तो आप कोशिश करोगे, आप अनस्टेबली फैलाने की कोशिश करोगे, इसीलिए 7-8 हत्याएं भी हुई। लेकिन आर्मी ने और पुलिस ने यहां की बहुत अच्छा काम किया। तो एक ये भी बात है कि पुलिस और आर्मी का भी स्टेबिलिटी फैलाने में काफी बड़ा योगदान है, काफी बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए सब शांत भी है। अगला, बहुत इतने लंबे स्ट्रगल के बाद अब ज्यादातर लोगों को यह पता लग ही गया है कि कुछ होगा नहीं। डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, यह भी कश्मीरियों को मालूम चला है और इनके लीडर्स को भी मालूम चला है। लीडर्स भी भाई, अभी मोदी जी ने मीटिंग की तो सबके साथ आए, सबके साथ मिले, भले ही वो बोल रहे हो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 370 वापस ले आएंगे, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, उनको भी पता है ये बात। अभी इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन का भी मुद्दा चल रहा है, इलेक्शंस होंगे अभी, और सबके सब इलेक्शंस में पार्ट लेंगे। भाई कश्मीर में तो इलेक्शन होंगे ना, लद्दाख में नहीं होंगे, यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरी, लद्दाख अलग है, उसमें लेजिस्लेचर नहीं है, वो तो सीधा यहां पे सेंटर के कंट्रोल में है, और कश्मीर दिल्ली जैसा होगा, वहां पे लेजिस्लेचर होगी, तो अभी इलेक्शन होंगे, सबके सब इलेक्शन लड़ेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने लंबे स्ट्रगल के बाद लोगों को भी ये पता चला है कि यार अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, चीजें ठीक हो रही हैं, जब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, जब एक मिलन हो रहा है, तो हम क्यों इसमें पीछे रहे? लोग जिस लोगों का जो बिहेवियर होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का भी वही बिहेवियर होता है, लीडर्स का भी वही बिहेवियर होता है, ये चीज है। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा शांति है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान से बहुत सारे, पूरा पाकिस्तान का किया धरा ये, भर भर के आतंकी जो है पाकिस्तान भेजता था कश्मीर में, इंडियन आर्मी ने पकड़ पकड़ के सबको न्यूट्रलाइज किया है, तो वो वाला जो एंगल था ना, वो भी अब हट गया। अब आतंकी आपको बहुत ही कम दिखेंगे, और जो दिखते हैं वो खत्म हो जाते हैं,
क्योंकि इंडियन आर्मी ने एलओसी पे सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, बहुत तगड़ी तरीके से बढ़ा दी है, इसीलिए तो ये बौखलाहट है। एक के बाद एक न्यूट्रलाइजेशन चालू है वहां पे, कोई भी आतंकी आता है सीधा धाएं खत्म, ये चीज। तो ये भी एक कारण है कि कोई कुछ 370 हुई तीसरी एनिवर्सरी, लेकिन सब कुछ चुप है, कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग वॉज देयर। लोगों ने अपने आप को, मतलब ये जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पंजाब की देखिए, पंजाब में 1980s में कितनी ज्यादा इंसर्जेंसी थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने इंजेक्शन लगाया, कभी कभी आपको कड़वी दवा देनी पड़ती है। और अब देखिए पंजाब इज वन ऑफ दी बहुत डेवलप्ड स्टेट है, वो खेती के मामले में देख लीजिए और भी चीजों में पंजाब बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और एक समय पर कितनी ज्यादा इंसर्जेंसी थी, है कि नहीं। तो ये है, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव क्या, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। आंसर राइटिंग शुरू है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।